ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आज आपके साथ हूँ और आज का विषय है कर्क राशि वालों के लिए। 6 तारीख का अवसर अद्भुत है, गुप्त नवरात्रि के आरंभ है। आषाढ़ का शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, गुप्त नवरात्रि आरंभ होती है। शनिवार के दिन गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। ये सूचना है कि जो इस दिन अनुष्ठान आरंभ होगा यदि सही तरह से किया जाए तो मनवांछित इच्छा को गुप्त रूप से पूर्ण करने वाला रहे। गुप्त नवरात्रि है, गुह्यम शास्त्र कहता है कि जो भी मंत्र जप करें गुपनीय रूप से करने का प्रयास करें और ये समय आपकी गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए अद्भुत है। तो अवश्य सुंदर तरीके से माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से सूचना दे रहे हैं कि आपके लिए थोड़े खर्चे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखते हुए खर्चों को करने का प्रयास करें। अननेसेसरी के जुर्माने आपके ऊपर पड़ सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा की आराधना से सब प्रकार से इन सब चीज़ों से रक्षा हो सकती है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन गुप्त नवरात्रि के अवसर पर सुंदर तरीके से 9 दिवसीय यज्ञ रखा है, जो दुर्गा सप्तशती का यज्ञ नित्य प्रति चलेगा। आप भी उसमें अपने नाम से ब्राह्मणों के द्वारा सम्मिलित हो सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव से आपके लिए ग्रह अनुकूल दिखाई देते हैं। 7 तारीख का अवसर रविवार का दिन द्वितीया तिथि है और उस दिन शुक्र ग्रह जो है वो कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपके 12वें भाव से निकलकर लग्न में आ रहे हैं, चंद्रमा के साथ वहीं विराजित हो जाएंगे और ये आपके लिए आपको थोड़ा सा एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, शुक्र बुध और चंद्रमा तीनों लग्न में, यानी ये पेट भरे ना, यानी और ज़्यादा भूख जाग सकती है, कई चीज़ों को प्राप्त करने की और उत्कंठा जाग सकती है। साथ में सूर्य वैसे ही 12वें भाव में विराजमान है तो ये आपकी महत्वाकांक्षा को बैलेंस करने के, ध्यान रखिएगा अपनी सीमा पहचानते हुए कार्य करिएगा। पुनः आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उड़िएगा मत बहुत ज़्यादा हवा में। शुक्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे सुबह 4:30 बजे। कृतिका नक्षत्र में मंगल प्रवेश कर रहे हैं जो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, तो ऐसे में बहुत सावधानी के साथ, देखिए जब गाड़ी बहुत तेज चल रही होती है तो बहुत सावधानी के साथ गाड़ी चलानी पड़ती है। यहाँ पर शुक्र भी जो परिवर्तित करके आ गए हैं बुध के साथ, सुंदर योग बना रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है जिस भी क्षेत्र में जाएंगे ना तो वहाँ थोड़ा सा लालच में कहूँगा या थोड़ी सी भूख थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है और ज़्यादा हो जाती है। कार्यों को प्राप्ति करने के लिए थोड़ा और ज़्यादा व्यक्ति आगे हो जाता है। ऐसे में बस अभिमान ना आए, जो अहंकार ना है उसको ध्यान रखते हुए कार्य करें और थोड़ा बैलेंस होकर काम करेंगे तो इसलिए आवश्यकता है। देवयोग से सुंदर दूसरा नवरात्र है, ब्रह्मचारिणी की आराधना करने का अवसर है। तो आपके लिए एक मंत्र बताते हैं, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करें, माँ भगवती कृपा से लाभ प्राप्त होगा और कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। 8 तारीख का दिवस सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि है, माँ चंद्रघंटा की आराधना का अवसर है और ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से, जैसा कर्क में चंद्रमा नई शक्ति का संचार आपके अंदर हो रहा है, बहुत कुछ करने का मन कर रहा है, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि सफलता में शनि महाराज की दृष्टि जो दशम भाव पर पड़ रही है वो आपको दिखाती है कि यदि अध्यात्म शून्य हो जाओगे, राहु महाराज धर्म भाव में चल रहे हैं, यदि धर्म से विमुख हो गए, बहुत सारे धर्म से विमुख को कार्य करोगे, अनैतिक कार्य करोगे तो फंस जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। जितने धर्म के साथ धर्मयुक्त माँ भगवती की उपासना, ये ग्रह योग साफ साफ कह रहे हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहे हैं हम लोग, तो जितना रहोगे उनके साथ उतनी विजय के चांसेस आपके लिए बनेगा। एक ही सूत्र है, अन्न श्रद्धा भाव से परमात्मा का भजन, धर्मयुक्त कार्य करना तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, यदि धर्म से विमुख होकर कार्य करोगे तो फंस जाओगे, फिर कोई रोकने वाला नहीं। उपाय के तौर पर माँ भगवती चंद्रघंटा भगवती पार्वती की का पूजन करें, उन्हें श्रृंगार की सामग्री सिंदूर अवश्य अर्पित करें, आप उनको विशेष तौर पर दर्पण अर्पित करने का प्रयास करें। इस दिन गृह राशि के दृष्टिकोण से ये बड़ा सुंदर उपाय है, करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 9 तारीख का अवसर मंगलवार, तृतीय तारीख जो है वो तिथि है जो उदय तिथि के रूप में विराजमान रहेगी और उसके बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा जो अगले दिन सुबह सूर्य उदय के साथ भी विराजमान रहेगी, लेकिन मंगलवार और चतुर्थी के योग से अंगारक चतुर्थी बन गई, यानी मंगल का जन्मदिवस बन गया। गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, गुप्त नवरात्र का चतुर्थ दिवस है, माँ कुष्मांडा की आराधना का अवसर है और साथ साथ मंगल का जन्मदिवस है। और मंगल आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर आपकी सफलताओं को और ज्यादा एग्रेसिवनेस के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भगवान का भजन भी कर लें तो क्या होता है कि भाग्य जाग जाता है।
तो हमने विवेकानंद योग आश्रम में क्या, अपने आश्रम पे एक बार सुंदरकांड का महायज्ञ पाठ रखा है, बड़ा सुंदर यज्ञ रहेगा, भंडारा रहेगा, और साथ साथ उसमें एक और कार्य किया हमने, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ भी चल रहा है जो गुप्त नवरात्रि का, उसमें भी आप भगवती के निमित्त आहुति प्रदान कर सकते हैं। व्यवस्थाओं को जानने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। सुंदर योग है तो अवश्य अपने घर पर बैठ के भी हनुमान जी का स्तवन करें, दुर्गा जी का स्तवन करें। ग्रह नक्षत्र आपके लिए सुंदर चलते दिखाई दे रहे हैं तो उसका उपयोग करना बस आपकी, यदि बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। 10 तारीख का अवसर बुधवार और साथ साथ इस दिन चतुर्थी उदय अतिथि के रूप में विराजमान है, पांचवा नवरात्र है और ऐसे में माँ भगवती स्कंद माता की आराधना का अवसर है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन का योग बना रहे हैं, चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके लिए बड़ा सुंदर चले गए हैं। आप माँ भगवती की आराधना करके पिता माता पिता का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता प्राप्ति के योग बन सकते हैं। खीर का भोग लगाएं, माँ पिताजी का आशीर्वाद लें, माँ भगवती का आशीर्वाद लें, खीर का भोग उन्हें समर्पित करें, देखिएगा कृपा प्राप्ति के योग बनेंगे। देखिए भारतीय ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा चमत्कार है जो समय की वास्तविक तौर पर चाल को आपको समझाने का प्रयास करता है और दैनिक गणित को देखकर, ज्योतिष के योगायोग को देखकर हम आपके समक्ष उन समस्त गणनाओं के माध्यम से आपके भविष्य फल को बताने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इन ग्रहों का योगायोग क्या कुछ हमारे जीवन में राशि के अनुसार से प्रवृत्ति बनाने का योग बना सकता है, किस प्रकार से कहाँ ग्रहों का उदय, कहाँ ग्रहों का अस्त, कहाँ ग्रहों का मार्गीपन, कहाँ ग्रहों का वक्र स्थिति जो है, जो भी ग्रहों का योगायोग विभिन्न युक्तियों के साथ बन रहा है उसका प्रभाव जीवन पर क्या पड़ेगा। गोचर के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन जो होता है वो हर व्यक्ति पर प्रभाव डालता है, लेकिन उसका प्रभाव उस प्रकार से होता है कि जैसा उसकी मूल जन्मपत्री में जन्म के समय जो जलग्न इत्यादि है उसके प्रभाव से उस गोचर के मिश्रित प्रभाव को समझकर उसको हर व्यक्ति के जीवन में उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो सकती है और ये भ्रांति स्वाभाविक है कि 12 राशियों के अनुसार से पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर दिया। अब ये समझें कि जिस प्रकार से 12 राशियों को एक मूल रूप से, लेकिन हर व्यक्ति उन प्रवृत्ति के रूप से हम समझने का व्यवस्थित बना सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं, तो आप समझें कि मूल जन्मपत्री सबसे विशेष है, लेकिन फिर भी राशि के अनुसार से गोचर का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मूल जन्मपत्री के साथ जन्मपत्री के विषय को समझते हुए, व्यक्ति के प्रवृत्ति को समझते हुए, व्यक्ति के ग्रह योग जो भी उसकी कुंडली में बैठे हैं, चाहे राजयोग हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ योग हैं, उसको भी समझकर यदि जातक को समझाने का प्रयास किया जाए, उसके जीवन को देखा जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष परिवर्तन का प्रतीक बना सकता है और लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। फिर भी गोचर का दृष्टिकोण से हम राशि के अनुसार से जो प्रभाव आपको बता रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और अपना प्रभाव दिखाता है और हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि हजारों लोगों को जीवन में इससे लाभ भी होता है। तो आप किसी विचित्र विडंबना में ना फंसें, लोगों कहने में ना आए, ज्योतिष प्रत्यक्ष है, लाखों वर्षों से भारतीय संस्कृति और विभिन्न मानव संस्कृति ने इसका लाभ उठाया है। विभिन्न शोध भारतीय संस्कृति का चमत्कार है जो समय को पहचानने में, समय को के अनुसार से व्यक्ति को कार्य करने की तरफ प्रेरित कर सकता है, सही समय का चुनाव कर सकता है और जो व्यक्ति बुद्धिमानी के द्वारा सही वक्त का चुनाव कर लेते हैं, सही वक्त को समझ लेते हैं, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं और जीवन में शुभ लाभ के योग बन जाते हैं, कल्याण के योग बन जाते हैं। आज व्यक्ति मॉडर्न वैज्ञानिकता की तरफ चल रहा है और उसको भी भविष्य जानने के लिए आधुनिक चीज़ों का उपयोग करता है। आप गूगल का उपयोग करते हैं, क्या आपको बताता है कि रास्ता आगे कहाँ जाम है, कहाँ नहीं जाम है, लेकिन फिर भी आप पहुँचते हैं तो कई बार वो गूगल भी गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसने साइंटिफिक पैरामीटर्स पे काम किया, एनालिसिस किया डाटा को, लेकिन फिर भी उसकी गणनाएं भी गलत हो जाती हैं। और आप समझें जो भविष्य की दृष्टा है, क्योंकि भविष्य ग्रहयोग वर्तमान सब परिवर्तनशील है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो स्टैटिक है, सब कुछ परिवर्तन की तरफ जा रहा है, सब कुछ आगे हर पल हर क्षण बदल रहा है और वो बदलाव इतना तीव्र भी होता है और इतना क्षणिक भी होता है और इतना दीर्घ लंबा भी होता है कि जिसका कई बार परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण सामने आ जाता है और कई बार इतना स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। तो आप समझें ज्योतिष विज्ञान, इसका मुझे एग्जाम्पल देने का उदाहरण देने का केवल मतलब ये था कि हर चीज़ परिवर्तनशील है। पूरे विश्व में भविष्य को जानने का, आगे वाली स्थिति को जानने की लालसा हमेशा रही है और ज्योतिष विज्ञान उस पर 100% सही बैठता है। मेरी गणना है, किसी ज्योतिषी की गणनाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान की गणना गलत नहीं हो सकती।
और हमने अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने गुरुजन के माध्यम से सहयोग लेते हुए इस विज्ञान को अच्छे समझने का प्रयास किया। और मैं तो अभी अपने आप को छात्र ही मानता हूँ। मैं तो अपने सही हर रोज़ कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूँ, कुछ बताता हूँ, कुछ अनुभव करता हूँ, और उसमें जब एनालिसिस आता है तो उसमें कुछ अगर त्रुटि रहती है तो उसको नित्य प्रति परिवर्तन की तरफ जाने का प्रयास करता हूँ और समझता हूँ, सीखता हूँ। और ये जब तक प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगी तब तक वो उस शास्त्र को नित्य प्रति चेंज की तरफ नहीं ले जाएगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं है। ज्योतिष विज्ञान का विकास भी इस प्रकार से हर व्यक्ति के अनुसार से हमें समझने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी गर्जन पत्रियाँ देखते हैं हर रोज और उनके अनुसार से उन सिद्धांतों को देखते हैं, लेकिन चमत्कार है, बिल्कुल है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हमने इस परिवर्तन से ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाभ उठाते देखा है। अरबों लाखों लोगों ने इस विज्ञान का लाभ पता नहीं कितनी सदियों से लिया है। तो आप भी इसके साथ जुड़े, समझें, और आपके जो मन में प्रश्न चल रहे हो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों को समाधान देने का प्रयास करें, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े होते हैं, लाखों लोगों के प्रश्न आते हैं, और आप भी देखते होंगे चैनल्स पर लगातार जो कमेंट बॉक्स है उनके एक साथ कमेंट आ रहे होते हैं। तो हमने उसकी व्यवस्था बनाई है कि आप आश्रम पर संपर्क साध कर और विवेकानंद योग आश्रम से जुड़ सकते हैं, अपने निजी संपर्क को भी साध सकते हैं और यहाँ होने वाली विभिन्न गतिविधियों के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे इस आश्रम में हर समय कुछ ना कुछ नई गतिविधि चलती रहती हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ, माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ, विभिन्न ग्रहों का यज्ञ, विभिन्न मंत्रों का यज्ञ, विभिन्न विशेष तौर पर मंत्रों का यज्ञ, जो वैदिक मंत्र हैं महामृत्युंजय इत्यादि मंत्रों का यज्ञ समय समय पर चलता रहता है, और उस सब का निमंत्रण हम आपको देते भी रहते हैं। अभी इसी समय में गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है, और ये गुप्त नवरात्रियाँ बहुत विशेष हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत हैं। और हमारे आश्रम पे तो माँ भगवती दुर्गा का जो चमत्कारिक शिव विग्रह अनादिकाल से सुंदर रूप से चमत्कारिक शिव विग्रह जो यहाँ उपस्थित है वो तो अद्भुत है, चमत्कार से परिपूर्ण है। लाखों लोगों ने उनके दर्शन कर अपनी मनोकामना सिद्ध करी है। आप भी उनके सानिध्य में बैठकर इन नवरात्रों के अवसर पर, गुप्त नवरात्रियों के अवसर पर गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए चुपचाप उनके सानिध्य प्राप्त करें, उसी यज्ञ में भाग लें, देखिएगा परिवर्तन का सुंदर योग बनेगा। यज्ञ में भाग लेने के लिए आप आश्रम की गतिविधि के साथ जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।